देराश्री, दिस इज जोड़ीज फोन, ये जोड़ी का फोन है, हिरण का बच्चा है। बिफोर यू रीड, इससे पहले क्या पढ़ें? ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर, अक्सर डॉक्टर के पास भागकर जाने से। टू ट्रीट ए स्मॉल कट और बर्न, एक छोटा सा कट का निशान या जलने पर उपचार करने के लिए। वी फाइंड, हम पाते हैं क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स, शीघ्रता से और असरदार उपचार। यूजिंग, काम में लेते हुए, थिंग्स, चीज़ों को। अवेलेबल एट होम, जो कि घर पर उपलब्ध हो। कैन यू थिंक ऑफ, क्या तुम सोच सकते हो? सम कुछ सच ऐसी ही। होम रेमेडीज, घरेलू उपचार। फॉर ए कट, किसी कट के निशान पर, कटने पर, चीरा लगने पर। ऑन योर नी, घुटने पर। ए बर्न ऑन योर आर्म, या तुम्हारी भुजा पर जलने पर। ए बी स्टिंग, या किसी मधुमक्खी के डंक मारने पर। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, जोड़ीज फादर, जोड़ी के पिताजी, हैज़ बीन बिटन, काटा गया है बाई ए रेटल स्नैक, एक जहरीले सांप के द्वारा। यानी कि जोड़ी के पिताजी को जहरीले सांप ने काट लिया है। ही क्विकली किल्स ए डो, वह फुर्ती से एक हिरनी को मारते हैं। एंड यूजेज इट्स हार्ट एंड लिवर, और इसका दिल और यकृत काम में लेते हैं। टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, जहर को बाहर निकालने के लिए। जोड़ी वंडर्स, जोड़ी परेशान होता है। वॉट विल हैपन, क्या होगा? टू द लिटिल फोन, उस छोटे हिरन के बच्चे का। लेफ्ट विदाउट ए मदर, जो कि एक बिना माँ का हो गया है। पार्ट फर्स्ट। जोड़ी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। जोड़ी ने अपने विचारों को वापस आने दिया। कहाँ तक? फोन तक, बच्चे तक, हिरन के बच्चे तक, शावक तक। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वह उसके विचारों को, थॉट्स को दिमाग से बाहर नहीं रख सका। ही हैड हेल्ड इट, और उसने उसको थामे रखा, विचारों को। इन हिज ड्रीम्स, उसके स्वप्न में। इन हिज आर्म्स, उसकी भुजाओं में। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, वह धीरे से सरकते हुए टेबल से उसके पिताजी के बिस्तर की तरफ गया। पेनी ले एट रेस्ट, उसके पिताजी, जो कि पेनी नाम है, वो आराम से लेटे हैं। हिज आईज वर ओपन, और उसकी, पिताजी की आंखें खुली थी एंड क्लियर, साफ थी। बट दी प्यूपिल्स वर स्टील डार्क, लेकिन जो आंखों की पुतलियां थी अभी भी गहरी और डायलेटेड फैली हुई थी। जोड़ी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पाप, पापा आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जस्ट फाइन, ठीक सन बच्चे। आई वुड, डेथ हैज गोन थीविंग एल्सवेयर, कि मृत्यु जो है चली गई है चुराते हुए किसी अन्य को। एल्सवेयर, बट वॉजंट इट ए क्लोज शेव, यानी क्या ये बिल्कुल क्लोज शेव नहीं थी? खतरे से बाल बाल बचने की स्थिति नहीं थी? आई एग्री, मैं सहमत हूँ। पेनी सेड, पेनी ने कहा, पिताजी ने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, बच्चे मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। द वे, जिस तरीके से यू केप्ट योर हेड, तुमने अपने मानस को, दिमाग को शांत बनाए रखा। एंड डिड, जो कुछ किया, वॉट वॉज नीडेड, जो कि आवश्यक था, जरूरी था। पा, यस सन, हाँ बच्चे। पा, डू यू रिकलेक्ट, क्या आपको याद है? द डो एंड द फोन, वह हिरनी और बच्चा। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डो, बेचारी हिरनी, सेव्ड मी, मुझे बचाया। दैट इज सर्टेन, ये निश्चित है। पा, द फोन मे बी आउट देयर येट, वो जो फोन है, शावक है, वो अभी भी बाहर होगा। इट माइट बी हंग्री, ये भूखा होगा। एंड वेरी स्कैर्ड, और बहुत डरा हुआ। आई सपोज सो, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। पा, आई एम ए बिग बॉय, मैं एक बड़ा बच्चा हूँ।
नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, अब मुझे दूध पीने की जरूरत नहीं होती है। वाई डोंट आई गो, क्यों नहीं मैं जाता हूँ एंड सी, देखता हूँ कि इफ आई कैन फाइंड, कि मैं उसे ढूंढ सकूँ, द फोन बच्चे को, शावक को, एंड ब्रिंग इट हियर, और यहाँ ले आऊँ, एंड रेज इट, और इसको बड़ा करूँ। पेनी ले क्वाइट, पेनी शांत लेटे रहे, स्टेयरिंग घूरते हुए एट द सीलिंग, कमरे की छत को अंदर से। बॉय, बच्चे, यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, तुमने मुझे असमंजस में डाल दिया है। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट। पापा, इसको बड़ा करने में ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉर्न्स, और ये जल्दी ही पत्तियाँ और एकॉर्न्स यानी बलूत के जो बीज और फल होते हैं वो खाना शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ यूर एज, तुम्हारी उम्र के बच्चों की तुलना में ज़्यादा स्मार्ट हो, समझदार हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजेंट टू ब्लेम, हमने उसकी माँ को ले लिया, एंड इट वॉजेंट टू ब्लेम, और यह भी दोष लगाने वाला नहीं था। श्योरली इट सिम्स, निश्चित रूप से ऐसा लगता है, अनग्रेटफुल, अकृतज्ञता, टू लीव इट, इसको छोड़ देना, टू स्टार, भूखे मरने के लिए। सन, आई कांट से, बच्चे में नहीं कह सकता, नो टू यू, तुम्हारे को इनकार, यानी कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था, आई वुड लीव, मैं जीवित रहूँगा, टू सी अनादर डे, अगला दिन देखने के लिए। कैन आई राइड बैक विद मिलविल, क्या मैं मिलविल के पीछे बैठ करके जा सकता हूँ, एंड सी, देख सकता हूँ, इफ आई कैन फाइंड इट, कि मैं उसे ढूंढ सकूँ। टेल योर माँ, तुम्हारी माँ से कहो, आई सेड यू कैन गो, मैंने कहा तुम जा सकते हो। ही साइडल्ड बैक टू द टेबल, वह झिझकते हुए वापस टेबल तक गया, सेट डाउन, नीचे बैठ गया। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफी फॉर एवरी वन, उसकी माँ सभी के लिए कॉफ़ी उड़ेल रही थी। ही सेड, उसने कहा, माँ पास एज, पापा कहते हैं, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, ब्रिंग बैक द फोन, वापस फोन को लाने के लिए, मृग शावक को लाने के लिए। शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर, उसने कॉफी के कप को बीच हवा में ऐसे पकड़े रह गई। वॉट फोन, क्या शावक, कौन सा बच्चा, कौन सा मृग शावक। द फोन बिलोंगिंग टू द डो, वह फोन जो कि हिरने से संबंधित, वी किल्ड, जिसको हमने मारा था। वी यूज द डोज लीवर, और हमने उस हिरनी का यकृत काम में लिया था, टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, जहर निकालने के लिए, एंड सेव पावर, पापा की जान बचाने के लिए। शी गास्प्ड, उसने हाँपते हुए, वह हाँपने लगी। वेल फॉर पिटी से, एक अच्छा दया के लिए। पास एज, पापा कहते हैं, इट वुड बी अनग्रेटफुल, यह कृतज्ञता, एहसान फरामोशी होगी, अकृतज्ञता होगी, टू लीव इट, टू स्टार, की इसको भूखे मरने के लिए छोड़ना। डॉक विल्सन, यानी कि डॉक्टर विल्सन सेड, कहा, दैट इज राइट, ये सही है मैम। नथिंग इन द वर्ल्ड, संसार में कुछ भी नहीं, कम्स क्वाइट फ्री, बिल्कुल फ्री में मिलता है, यानी कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट, बच्चा भी सही है और उसके पापा भी सही हैं। मिलविल सैड, मिलविल ने कहा, ही कैन राइड बैक, वह पीछे बैठा करके सवार करके ले जा सकता है, विद मी, मेरे साथ। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं उसको ढूंढने में मदद करूँगा। सी सेट डाउन, वह नीचे बैठ गई, द पॉट हेल्पलेसली ऐसा रोक करके पात्र को पकड़े हुए। वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क, ठीक है, अगर तुम्हें अपना दूध उसको देते हो तो। वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है उसको खिलाने के लिए। मिलविल सेड, मिलविल बोला, कम ऑन बॉय, बच्चे आ जाओ, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, हम राइडिंग के लिए तैयार हैं। माँ बैक्स्टर आस्ड एंग्शियसली, माँ ने चिंतित होते हुए कहा, यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग, तुम्हें ज़्यादा लंबे यानी ज़्यादा दूरी तक नहीं जाना होगा। जोड़ी सेठ, जोड़ी ने कहा, आई विल बी बैक, मैं वापस आ जाऊँगा बिफोर डिनर फॉर श्योर, निश्चित रूप से डिनर से पहले, रात्रि के भोजन से पहले।
मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स, मिलविल उसके घोड़े पर सवार हुआ, माउंट हुआ एंड पुल्ड, और उसने खींचा जोड़ी अप बिहाइंड हिम, उसके पीछे बिठाने के लिए जोड़ी को। ही सेड टू मिलविल, उसने मिलविल से कहा, डू यू थिंक द फोन इज स्टिल देयर, कि फोन अभी भी वहाँ होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम उसको ढूंढने मेरी मदद करोगे। वी विल फाइंड हिम, हम उसे ढूंढेंगे। इफ ही इज अलाइव, अगर वह जिंदा हुआ। हाउ यू नो इट्स ए ही, तुम कैसे जानते हो कि वह ही है। पुल्लिंग, द स्पॉट्स वर ऑल इन ए लाइन, जो हिरण की जो त्वचा पर जो धब्बे होते हैं निशान, वो सारे एक रेखा में थे। ऑन ए डो फोन, जबकि जो डो फोन होती है हिरणी, जो बच्चा होता है मादा बच्चा, पास एज पा कहते हैं, द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, जो हर किधर फैले होते हैं, लाइन से नहीं होते हैं धब्बे मादा में। पार्ट सेकेंड, जोड़ी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन, जोड़ी अपने आप को विचारों में डुबो दिया फोन के। दे पास्ड दी अबेंडन्ड क्लियरिंग, और वो छूटे हुए जिस स्थान को उन्होंने छोड़ा था, जहाँ पेड़ नहीं थे, वृक्षहीन क्षेत्र, वहाँ से गुजरे। ही सेड, वह बोला, कट टू द नॉर्थ, उत्तर की ओर काटो, यानी मोड़ लो मिलविल। इट वॉज अप हियर, अब ये जगह यहीं से थी, दैट पा गॉट बिटन, कि जहाँ पर पा को काटा गया था बाय द स्नेक, सांप के द्वारा। एंड किल्ड द डो, और हिरनी को मारा गया था। एंड आई सो, और मैंने देखा, द फोन बच्चे को, शावक को। सडनली, अचानक, जोड़ी वॉज अनविलिंग, जोड़ी की इच्छा नहीं हुई टू हैव मिलविल, मिलविल को साथ रखने की, विद हिम। इफ द फोन वॉज डेड, अगर फोन मृत हुआ, और कुड नॉट बी फाउंड, या नहीं मिल सका। ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वह नहीं चाहता था कि उसकी निराशा को वह देख सके। एंड इफ द फोन वॉज देयर, और अगर फोन वहाँ मिल गया, द मीटिंग वुड बी सो लवली, तो मुलाकात इतनी प्यारी होगी, एंड सो सीक्रेट, इतनी गुप्त होगी, दैट ही कुड नॉट इंड्योर टू शेयर इट, कि वह अपनी इस खुशी को किसी और के साथ शेयर करना नहीं चाहेगा, बांटना नहीं चाहेगा, उस खुशी का अकेले ही आनंद लेना चाहेगा। ही सेड, वह बोला, इट्स नॉट फार नाउ, अब ज़्यादा दूर नहीं है, बट द स्क्रब इज वेरी, लेकिन जो जाड़ियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा थिक है, घनी है, फॉर ए हॉर्स, घोड़े के लिए। आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं अब ये रास्ता जो है पैदल ही करूँगा, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू, लेकिन मुझे तुम्हें छोड़ते हुए डर है। बॉय बच्चे, सपोज यू गॉट लॉस्ट, हो सकता है तुम खो जाओ, और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू, और तुम्हें भी हो सकता है सांप काट ले। आई विल टेक केयर, मैं ध्यान रखूंगा। इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम, और हो सकता है मेरे को ज़्यादा समय लग जाए टू फाइंड द फोन, ढूंढने में। इफ ही इज वांडर्ड, अगर वह घूमता हुआ मिलता है, लीव मी ऑफ राइट हियर, मुझे यहीं पर छोड़ दो। ऑल राइट, ठीक है, बट यू टेक इट इजी नाउ, अब तुम आराम से रहना, मतलब काम आराम से करना। यू नो, तुम जानते हो, नॉर्थ हियर, यहाँ से उत्तर है, एंड ईस्ट, ईस्ट किधर है, पूर्व दिशा, देयर एंड देयर, उधर देखो और वहाँ से वहाँ, देयर टॉल पाइन, और वो जो लंबा चीड़ का पेड़ है, मैक्स ए बेरिंग, एक बेरिंग का काम करता है, दिशा सूचक का काम करेगा। सो लॉन्ग, इतनी देर, सो लॉन्ग, इतनी देर, मिलविल, जितनी देर लगे। आई एम ओब्लाइज, मैं एहसान मानूंगा, आभारी हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूज टू एंड, और उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि घोड़े के खुरों की जो साउंड थी, आवाज, वो समाप्त नहीं हो गई। देन तब, कट टू द राइट, फिर उसने दाहिनी ओर मोड़ा अपने आप को। द स्क्रब वॉज स्टिल, झाड़ियाँ अभी भी शांत थी। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग, केवल उसकी स्वयं की जो टहनियों को टूटने की जो क्रैकलिंग की आवाज थी, साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, शांति के बीच में। ही वंडर्ड, उसको ताज्जुब भी हुआ, फॉर एन इंस्टेंट, एक क्षण के लिए, इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, कि अगर उसकी दिशा में उससे गलती हो गई तो। देन ए बजर्ड, तब एक गिद्ध रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने से उठा, एंड फ्लैप्ड, फड़फड़ाया इन टू देयर, हवा में। ही केम इन टू द क्लियरिंग, वह खुली जगह में आया, अंडर द ऑक्स, बलूत के पेड़ों के नीचे,
बजर्ड सेड, बजर्ड बैठे थे इन ए सर्कल गोल घेरे में अराउंड द कार्केस ऑफ द डू, हिरनी के शव के चारों ओर। दे टर्न्ड देयर हेड्स, उन्होंने उनके सिरों को मोड़ा। ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स, उनकी लंबी पतली गर्दन के, और एंड हिज डोर फुफकारे एट हिम, उसकी ओर। ही थ्रू हिज बो एट देम, और उसने उसकी जो टहनी थी बड़ी सी, उसने उसकी ओर, गिद्धों की ओर, बजट की ओर फेंकी। एंड दे फ्लू इन टू एन एडजस्टेंट ट्री, और जब उसने टहनी फेंकी तो वे पास के जो पेड़ थे एडजस्टेंट वाले, वहाँ पर वे उड़ के चले गए। द सैंड शोड, रेत चमकी, लार्ज कैट प्रिंट्स, रेत में बड़ी बिल्ली के निशान जो है चमके यानी दिखाई दिए। बड़ी बिल्ली से मतलब है यहाँ टाइगर से बाघ। बट दी बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, लेकिन जो बड़ी बिल्लियाँ होती हैं शेर बाई और बाघ वगैरह, वो स्वयं ताजा ही मारते हैं। एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन, और उन्होंने तो जो मृत डो थी उसको कैरियन के लिए, बर्ड्स जो कि मृत मांस खाने वाले पक्षी होते हैं उनके लिए छोड़ दिया था बड़ी बिल्लियों ने, यानी कि टाइगर और शेरों ने। ही पार्टेड, उसने हटाया द ग्रास एट द प्लेस, उस जगह से वेयर ही हैड सीन द फोन, जहाँ उसने फोन को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं लगा। दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे, कि ये केवल कल की बात थी। द फोन वॉज नॉट देयर, फोन वहाँ नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, उसने खुले जगह को चक्कर लगाया, सर्कल लगाया, गोल गोल घूम के देखा। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, वहाँ न तो आवाज़ थी न कोई चिन्ह था। द बजर्ड्स क्लैक्ड, और जो गिद्ध थे उन्होंने आवाज़ें की देयर विंग्स, उनके पंखों से, इम्पेशेंट अधीरता पूर्वक, टू रिटर्न, वापस आने के लिए, टू देयर बिजनेस, उनके काम पर। ही रिटर्न टू द स्पॉट, वह उस जगह पर लौट आया वेयर द फोन हैड इमर्ज, जहाँ पर कि वह जो मृग शावक दिखाई दिया था। एंड ड्रॉप्ड, छूट गया था ऑन ऑल फोर्स, चारों पर यानी चारों पैरों पर। स्टेडिंग द सैंड, रेत का अध्ययन करते हुए। फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, छोटे छोटे खुरों के निशानों को ढूंढते हुए। द नाइट्स रेन, रात्रि की जो वर्षा थी, हैड वॉश्ड अवे, जिसने धो दिया था निशानों को, मिटा दिया था ऑल ट्रैक्स, सभी चिन्हों को, एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स, केवल उन गिद्धों के और उन बिल्लियों के, जंगली बिल्लियों यानी कि शेर और बाघों के निशान पंजों के रह गए थे, वो बड़े होते इसलिए। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, सीधा उसके सामने हलचल, स्टार्टर चौंका दिया हिम सो दैट, इस प्रकार से कि ही टम्बल्ड बैकवर्ड, वो पीछे की ओर लुढ़क गया। दी फोन लिफ्टेड इट्स फेस, फोन ने उसका चेहरा उठाया, टू हिज, उसकी ओर। इट टर्न्ड इट्स हेड, उसने उसके सिर को मोड़ा विद ए वाइड चौड़ाई में, वंडरिंग मोशन, हिलाते हुए गति के साथ। एंड शुक हिम, और उसको हिलाया। थ्रू विद द स्टेयर, उसके गूर करके देखने से वो हिल गया पूरा। ऑफ इट्स लिक्विड आइज, उसकी तरल आंखों। इट वॉज क्विवरिंग, ये कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, इसने कोई प्रयास नहीं किया उठने का और भागने का। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, जोडी विश्वास नहीं कर सका अपने आप पर टू मूव, हिलने का। ही विस्पर्ड, उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, इट्स मी, ये मैं हूँ। द फोन लिफ्टेड, फोन ने उठाया इट्स नोज, इसके नाक को, सेंटिंग हिम, उसको सूंघते हुए। ही रिच्ड आउट वन हैंड, उसने एक हाथ बढ़ाया। एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, और कोमल गर्दन पर रखा। द टच मेड हिम डिलीरियस, और उस स्पर्श ने उसको बड़ा ही आनंदित कर दिया, डिलीरियस कर दिया। ही मूव फॉरवर्ड, वह आगे बढ़ा ऑन ऑल फोर्स, चारों पर यानी हाथ पैरों पर। अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, जब तक कि वह बिल्कुल इसके नज़दीक नहीं पहुंच गया। ही पुट हीज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, फिर उसने उसकी भुजाओं को उसके बॉडी के चारों ओर रखा।
ए लाइट कन्वर्जन पास्ड, एक हल्की सी सियरन गुजरी, बट इट डिड नॉट स्टिर, लेकिन यह नहीं हिला। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स, उसने इसके किनारों पर, बगल में, बाजू में सहलाया, एज जेंटली, उतना कोमलता से, एज दो, जैसे कि द फोन वर ए चाइना डियर, जैसे कि चाइनीज मिट्टी का बना हुआ हिरण हो। एंड ही माइट ब्रेक इट, और उसको अगर थोड़ा सा पकड़ लेगा तो वो टूट जाएगा। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इसकी त्वचा बहुत ही मुलायम थी। इट वॉज स्लीक, और ये चिकनी और चमकदार थी। एंड क्लीन, और साफ सुथरी। एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उससे एक घास की मधुर मधुर खुशबू आ रही थी। ही रोज स्लोली, वह धीरे से उठा। एंड लिफ्टेड द फोन, और फोन को उठाया फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, उसकी टांगे बड़ी कमजोरी से लटक रही थी। दे वर सरप्राइजिंगली, और वे बड़े आश्चर्यजनक ढंग से लॉन्ग लंबी थी। दे ही हैड टू होस्ट, उसको लटकाना पड़ा, लहराना पड़ा द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, उसकी भुजाओं में इतना ऊंचा उठाना पड़ा जितना कि वो संभव था उठाना। ही वॉज अफ्रेड, उसको डर था, दैट इट माइट किक, ये उसको लात मार सकता था। एंड ब्लीट, और मिमिया सकता था। एट साइट, उस नज़र पर। एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, या इसकी माँ की गंध के स्थान पर। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग, इसलिए उसने खुली जगह पर एक तरफ से किनारे किनारे गया चल करके। एंड पुश्ड हिज वे, उसने रास्ता बनाया इन टू द थिकेट, झुरमुट में से। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट, और ये बहुत कठिन था, थ्रू विद हिज बर्डन, उस वजन के साथ उसको रास्ता बनाने में। द फोन्स लेग कॉट, और फोन की जो टांगे थी, इन द बुशेज, झाड़ियों में पकड़ पकड़ रही थी, मतलब उलझ रही थी। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट, और वह उठा नहीं सक रहा था। हिज ओन विथ फ्रीडम, उसके खुद के पैरों को भी स्वतंत्रता से, आसानी से। ही ट्राइड टू शील्ड, उसने ढाल बनने की, बचाने की कोशिश की। इट्स फेस, इसके चेहरे को, फ्रॉम प्रिकलिंग कंटिली वाइन्स बेलों से। इट्स हेड बॉबलिंग, इसका सिर हिल रहा था ऊपर नीचे तेजी से। विद हिज स्ट्राइड, उसके लंबे लंबे कदम चलने से। हिज हार्ट थाम्ड, उसका दिल धड़का। विद द मार्वल, बहुत ही अद्भुत, ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, उसकी स्वीकृति को, कि जैसे हिरण ने उसको स्वीकृत कर लिया। ही रिच्ड, वह पहुंचा द ट्रेल, उस पगडंडी पर। एंड वॉक्ड, और चला, एज फास्ट एज ही कुड, इतना तेज जितना वो चल सकता था। अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन, जब तक कि वह उस जॉइंट वाली सड़क तक नहीं आ गया, विद द रोड होम, उसके घर जाने वाली रास्ते पर। ही स्टॉप्ड, वह रुका टू रेस्ट, आराम के लिए। एंड सेट द फोन, और फोन को रखा डाउन नीचे, ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स, इसकी हिलती हुई झूलती हुई टांगों पर। इट वेवर्ड, ये डगमगाया, ऑन देम, उन टांगों पर। इट लुक्ड, ये दिखाई दिया एट हिम, उसकी ओर। एंड ब्लीटेड, और मिमियाया। ही सेड, वह बोला, इंचांटेड, मंत्रमुग्ध होकर के, आई विल कैरी यू, मैं तुम्हें उठाऊंगा, आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, जब मैं मेरी सांस ले लूँगा। ही रिमेम्बर्ड, उसे याद आया, हिज फादर सेइंग, उसके पिताजी को कहते हुए, दैट ए फोन वुड फॉलो, कि एक फोन जो है उसका पीछा करता है, अनुकरण करता है, इफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड, अगर इसको पहले उठाया हुआ हो। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, उसने धीरे धीरे से दूर जाना शुरू किया। द फोन स्टेयर्ड, फोन ने उसको घूर के देखा, आफ्टर हिम, उसके पीछे पीछे। ही केम बैक, वह वापस आया टू इट, इसके पास। एंड स्ट्रोक्ड, उसको सहलाया इट। एंड वॉकड अवे अगेन, वापस दूर चला गया। इट टुक ए फ्यू वॉबलिंग, इसने कुछ कांपते हुए, डगमगाते हुए स्टेप्स उठाए टुवर्ड्स हिम, उसकी ओर बढ़ाए। एंड क्राइड, और चिल्लाया पिटियसली, दयनीयता से, इट वॉज विलिंग, ये चाह रहा था, टू फॉलो हिम, उसका पीछा करना, अनुसरण करना, उसके पीछे पीछे जाना। इट बिलोंग्ड टू हिम, क्योंकि अब उसका हो गया था। इट वॉज हिज ओन, यह उसका स्वयं का था। ही वॉज लाइट हेडेड, अब वह कुछ भी सोचने में असमर्थ था। विद हिज जॉय, उसकी खुशी के मारे, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था खुशी के मारे। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल, वह तो इसको पुचकारना चाहता था। टू रन एंड रोम, और उसके साथ भागना और उछल कूद करना चाहता था। टू कॉल टू इट, और इसको आवाज़ लगाना चाहता था। टू कम टू हिम, कि उसके पास आ जाए।
ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, लेकिन उसने ऐसा खतरा उठाने की हिम्मत नहीं की, डेयर नहीं किया। ही पिक्ड इट अप, उसने इसको उठाया एंड कैरीड इट, और इसको लेके गया इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने, ओवर हिज टू आर्म्स, उसकी दोनों भुजाओं से ऊपर। इट सीम्ड टू हिम, उसको ऐसा लगा दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट, कि अब वह बिना प्रयास के चला। हिज आर्म्स बिगेन टू एक, उसकी भुजाओं ने वापस दर्द करना शुरू किया, एक करना शुरू किया। ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन, उसको वापस दोबारा रुकना पड़ा। वैन ही वॉकड ऑन, जब वह वापस चला, द फोन फॉलोड हिम, फोन उसके पीछे पीछे गया। एट वंस, तुरंत ही, ही अलाउड इट टू वॉक, और उसने उसको इजाज़त दी चलने की, ए लिटिल, थोड़ा सा डिस्टेंस दूरी तक। देन पिकड इट अप अगेन, तब उसको दोबारा उठा लिया, पिकअप कर लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, घर की दूरी कुछ भी नहीं थी। ही कुड हैव वॉकड, वह चल सकता था ऑल डे, पूरे दिन, एंड इन टू द नाइट, रात्रि, कैरिंग, उठाए हुए इट, इसको वॉचिंग इट फॉलो, और उसको पीछे आते हुए देखते हुए। ही वॉज वेट, वह गीला था, विद स्वेट, पसीने से, बट ए लाइट ब्रीज, लेकिन एक हल्की सी ठंडी हवा ब्लू बही थ्रू द जून मॉर्निंग, जून की सुबह, कूलिंग हिम, उसको ठंडा करते हुए। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर, आसमान उतना ही स्पष्ट था जितना कि झरने का पानी इन ए ब्लू चाइना कप, नीले चाइनीज कप के अंदर वो। ही केम टू द क्लियरिंग, वह खुले स्थान पर आया जहाँ वृक्ष नहीं होते हैं। इट वॉज फ्रेश, यह ताजा था, एंड ग्रीन, हरा। आफ्टर द नाइट्स रेन, रात्रि की वर्षा के बाद। ही फंबल्ड, उसने टटोला, विद द लैच चिटकने के साथ, एंड वॉज फाइनली, अंत में, ओब्लाइज टू सेट डाउन, बैठ गया द फोन टू मैनेज इट, इसकी व्यवस्था करने के लिए। देन तब ही हैड एन आइडिया, उसको एक आइडिया आया, विचार आया। ही वुड वॉक, कि वह पैदल चल के जाएगा, इन टू द हाउस, घर में, इन टू पेनीज बेडरूम, पेनी के बेडरूम में, विद द फोन, फोन के साथ में, वॉकिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे पीछे आते हुए। बट एट द स्टेप्स, लेकिन सीढ़ियों पर, द फोन बाग्ड, फोन अनिच्छुक हो गया, एंड रिफ्यूज, उसने इनकार कर दिया टू क्लाइम देम, उनको चढ़ना। ही पिक्ड इट अप अगेन, उसने वापस उसको उठाया, एंड वेंट टू हिज फादर, उसके पापा के पास गया। पेनी ले विद क्लोज्ड आईज, पेनी जो है आंखें बंद करके लेटे थे। जोड़ी कॉल्ड, जोड़ी ने आवाज़ लगाई, पा लुक, पापा देखो। पेनी टर्न्ड हिज हेड, पेनी ने सिर घुमाया। जोड़ी स्टूड बिसाइड हिम, जोड़ी उनके पास में खड़ा था। द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और उनके सामने ही फोन को कस के, मतलब अच्छे से पकड़े हुए। इट सीम्ड टू पेनी, ऐसा लगा पेनी को, दैट द बॉयज आईज वर, कि बच्चे की आंखें थी, एज ब्राइट एज द फोन्स, उतनी ही चमकीली जितनी की फोन की आंखें थी। ही सेड, वह बोला, आई एम ग्लेड यू फाउंड हिम, मुझे खुशी है कि तुमने उसको ढूंढ लिया। जोड़ी देन वेंट टू द किचन, तब जोड़ी रसोई घर में गया। द फोन वॉबल्ड आफ्टर हिम, और फोन भी उसके पीछे पीछे डगमगाते हुए गया। ए पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क, एक बर्तन में सुबह का दूध, स्टूड इन द किचन, रसोई में रखा था, सेफ, सुरक्षित। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और इस पर क्रीम मलाई जो है आ रही थी। ही स्किम्ड, उसने हटाया द क्रीम मलाई को, इन टू ए जग, एक जग में। ही पॉर्ड मिल्क, उसने दूध उड़ेला, इन टू ए स्मॉल गॉड, एक छोटे से पात्र में, बर्तन में। ही हेल्ड इट, और उसने इसको पकड़ा, आउट टू द फोन, फाउंड के आगे, बाहर। इट बटेड, उसने सिर से टक्कर मारी। इट सडनली, अचानक से, स्मेलिंग, सूंघते हुए द मिल्क, दूध को। ही सेव्ड इट प्रिकेरियसली, उसने बड़ी सावधानी से, खतरनाक ढंग से उस दूध को बचाया फ्रॉम स्पिलिंग, लुढ़कने से, गिरने से, ओवर द फ्लोर, फर्श के ऊपर। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क, इस दूध का कुछ नहीं कर सकता था, इन द गॉड, कटोरी में, पात्र में। ही डिप्ड हिज फिंगर्स, फिर उसने उसकी उंगलियों को डिप किया, डुबोया इन द मिल्क, दूध में, एंड थ्रस्ट देम इन टू द फोन्स सॉफ्ट वेट माउथ, फिर उसने उन उंगलियों को फोन के गीले और मुलायम मुंह के अंदर घुसवाया। इट सग्ड ग्रीडिली, फिर इसने बहुत ही लाल से चूस लिया, सक किया। वेन ही विड्रू देम, जब उसने उन उंगलियों को बाहर निकाला,
इट ब्लिटेड, ये मिमी आया फ्रेंटिकली बड़ी व्यग्रता से व्याकुलता से एंड बटेड हिम, फिर उसको सिर से मारा। ही डिप्ड हिज फिंगर्स, उसने उसकी उंगलियां डुबोई अगेन दोबारा, एंड एज दी फोन सग्ड, जैसे ही फोन ने चूसा, ही लोवर्ड देम, उसने नीचे किया स्लोली धीरे से इन टू द मिल्क, दूध में। द फोन ब्लू, फोन ने मारा एंड सग्ड, और उसको चूस गया, एंड स्नॉटेड, और फुफकारा। इट स्टैम्प्ड, इसने पाँव पटके, इट्स स्मॉल हुक्स, छोटे छोटे खुरों पर, इम्पेशेंटली व्यग्रता से, उत्सुक अधीरता से, एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स, जब तक वो उसकी उंगलियों को पकड़े रहता, बिलो द लेवल ऑफ द, उसके स्तर के नीचे दूध के, द फोन वॉज कंटेंट, तो फोन संतुष्ट रहता। इट क्लोज्ड इट्स आईज ड्रीमिली, और यह इसकी आंखों को बड़ी आनंद के साथ बंद रखता। इट वॉज एक्सटेसी, ये बहुत ही आनंद देने वाला था, आह्लाद देने वाला, टू फील, महसूस करना। इट्स टंग, इसकी जुबान को, अगेंस्ट हिज हैंड, उसके हाथ से। इट्स स्मॉल टेल, और इसकी छोटी पूंछ, फ्लिक्ड, बहुत तेजी से हिली, बैक पीछे एंड फोर्थ आगे, यानी उसकी पूंछ को आगे पीछे इसने हिलाई। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड, और दूध का आखिरी भाग समाप्त हुआ, गायब हुआ, इन ए स्वर्ल ऑफ फॉर्म, एक झाग चक्कर खाते हुए एंड गर्गलिंग गले की आवाज के साथ। मार्जोरी किन्नन राउलिंग्स ने लिखी है ये। क्वेश्चन नंबर वन, डू यू थिंक इट इज राइट टू किल एन एनिमल टू सेव ए ह्यूमन लाइफ, आप क्या सोचते हो कि एक मानव जीवन बचाने के लिए किसी पशु को मारना उचित है, राइट है? गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने जवाब में कारण बताएं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स, ज़्यादातर पशु हमारे मित्र होते हैं। डॉग्स, हॉर्सेज, एलिफेंट्स, काउज आर ए फ्यू सच एनिमल्स, इसी प्रकार के पशु हैं, दैट सर्व अस, जो हमारी सेवा करते हैं। बट मैन हैज़ बीन किलिंग, लेकिन मनुष्य जो है हत्या कर रहा है, कॉड फिश की और द वेल्स, या वेल मछलियों की, फॉर ऑयल, तेल के लिए। टाइगर्स आर किल्ड, बाघों की हत्या की जाती है, मारा जाता है, फॉर देयर स्किन, उनकी खाल के लिए, एंड बोन्स, हड्डियों के लिए। दिस इज नॉट फेयर, ये उचित नहीं है। बट देयर इज नो हार्म, लेकिन कोई हानि नहीं है, इफ एनी ऑफ देम, अगर उनमें से किसी को आर किल्ड, मारा जाता है, स्ट्रिक्टली टू सेव ह्यूमन लाइफ, सख्ती के साथ, केवल मानव जीवन बचाने के लिए, प्रॉपरली एंड एग्रीकल्चर, और उचित रूप से और कृषि के लिए। हाउ एवर, फिर भी, किलिंग एनिमल्स इज ए क्राइम, पशुओं को मारना एक अपराध है। इट इज रॉन्ग, ये गलत है, टू किल, हत्या करना, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव की, फॉर देयर हाइड और फॉर प्लेजर, उनके किसी भी गुप्त काम या खुशी के लिए। वाई डिड पेनी बैक्स्टर अलाउ जोडी टू गो फाइंड द फोन एंड रेज इट, पेनी बैक्स्टर ने जोड़ी को इजाज़त क्यों दी उसको ढूंढने के, लाने के लिए और बड़ा करने के लिए? पेनी वॉज कन्विंस्ड, पेनी ने कन्विंस कर लिया था, मना लिया था, बाई जोड़ीज आर्ग्यूमेंट, जोड़ी के तर्कों से, दैट इट वुड बी अनग्रेटफुल, कि ये अकृतज्ञता होगी। इफ दे लेफ्ट, अगर वे छोड़ देते हैं दी फोन इन द फॉरेस्ट टू स्टार, भूखे मरने के लिए। ही रियलाइज, उसने महसूस किया, दैट जोड़ी वॉज राइट, कि जोड़ी सही था। वॉट डिड डॉक विल्सन मीन, डॉक्टर विल्सन का क्या मतलब था? वेन ही सेड, जब उन्होंने कहा, नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री, संसार में कुछ भी चीज़ बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में नहीं आती है। डॉग विल्सन मिंट दैट पेनी मस्ट पे बैक, पेनी को निश्चित रूप से वापस देना होगा, टू द डो डो को, हिरनी को, होम ही हैड किल्ड, जिसको कि उन्होंने मार दिया था, फॉर हिज ओन गेन, स्वयं की प्राप्ति के लिए, ब्रिंगिंग अप, बड़ा करके, हर फोन, उसके बच्चे को। हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फोन, जोडी ने फोनी की कैसे लुक आफ्टर की, देखभाल की? ही एक्सेप्टेड द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस, क्या उसने ऐसा करके उसकी जिम्मेदारी उठाई? जोडी लुकड आफ्टर द फोन लाइक ए मदर, जोडी ने एक माँ की तरह उसकी देखभाल की।
ही मेड इट ड्रिंक मिल्क, उसने उसको दूध पिलाया विद हिज फिंगर, उसकी उंगलियों से डिप्ड इन मिल्क, दूध में डुबो डुबो के। दिस इज हाउ ए मदर फीड्स, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक माँ पिलाती है हर बेबी उसके बच्चे को। जोडी वॉज ग्लेड, जोडी खुश था दैट ही हैड फाउंड द फोन, कि उसको फोन मिल गया था। हाउ डज जोडीज मदर रिएक्ट, जोडी की माँ ने कैसे प्रतिक्रिया दी, प्रतिक्रिया देती है। व्हेन शी हियर, जब सुनती है दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग द फोन होम, कि वह फोन को घर लाने जा रहा है। वाई डज सी रिएक्ट इन दिस वे, वह इस प्रकार से प्रतिक्रिया क्यों देती है। जोडीज मदर टर्न्ड हर नोज, जोड़ी की माँ ने उसका नाक घुमाया। व्हेन शी हर्ड, जब उसने ये सुना दैट ही वॉज गोइंग टू ब्रिंग, कि वह वापस फोन को लाने जा रहा है। शी गास्प्ड विद सरप्राइज, वह आश्चर्य में मुंह खुला रह गया उसका, बिकॉज क्योंकि शी डिडंट वॉन्ट टू सी, वह नहीं देखना चाहती थी एन एनिमल इन हर होम, उसके घर में किसी पशु को। थैंक यू।